साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए क्वेश्चन करते हैं डी फार्मा, बी फार्मा एंड मेडिसिन से रिलेटेड। अगर साथियों आपका भी कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैं वीडियो भी बनाता हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। माईसेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ सरकारी अस्पताल में। साथियों, जो भी विद्यार्थी डी फार्मा करके और बी फार्मा करके कॉलेज और इंस्टीट्यूट से हमारे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने हमारे यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन किया कि सर, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में CMO और अस्पताल के फार्मासिस्ट दोनों का साइन होता है या किसी एक का, कृपया बताइए। साथियों, जैसा कि सबसे पहले हम CMO और CMS में डिफरेंस बताएंगे। साथियों, CMO ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक होता है, उसके अंडर में जितने भी हॉस्पिटल होते हैं जैसे CSC PSC जो है वो हॉस्पिटल होते हैं, और जो 100-bed हॉस्पिटल होते हैं जैसे बड़े अस्पताल होते हैं उसमें CMS होता है। उसमें CMO की पावर तो होती है, लेकिन क्या होता है कि उसमें साइन की ज़रूरत नहीं, वहाँ CMS ही सारा कुछ करता है। होल सोल इंचार्ज CMS होता है। CMS जो है सेम एज लाइक CMO होता है, लेकिन वो 100-bed हॉस्पिटल। अब जैसे छोटे छोटे अस्पताल, नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या टाउन एरिया के हॉस्पिटल हैं, उसके जो है इंचार्ज CMO होते हैं। तो साथियों, जैसे कि हमारा हॉस्पिटल है, ये संयुक्त चिकित्सालय है, ये 100-bed हॉस्पिटल है, और इसमें क्या है साथियों कि इसमें CMS है। हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग जो भी विद्यार्थी डी फार्मा बी फार्मा करते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ 3 कॉलम है। अगर बी फार्मा का है तो उसको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। एक में होता है मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिसका मतलब है CMS। एक तरफ होता है चीफ फार्मासिस्ट, एक होता है हॉस्पिटल ट्रेनिंग फार्मासिस्ट, मतलब ट्रेनिंग मास्टर, उसका साइन होता है। ट्रेनिंग में भी साथियों, जो डी फार्मा के होते हैं उनको जो फॉर्म मिलते हैं, फॉर्म में जो है उनका जो है साइन होता है, उसमें CMS का होता है और चीफ फार्मासिस्ट का होता है। साथियों, जैसा कि अभी हमने अवगत कराया है कि CMO और CMS में अंतर क्या है, उसी तरह से साथियों आप एक चीज़ को जान लें कि डी फार्मा और बी फार्मा में डिफरेंस क्या है। वो सभी को पता है कि डी फार्मा इज 2 ईयर एंड बी फार्मा इज 4 ईयर प्लस। लेकिन साथियों, मेन डिफरेंस ये है कि जो डी फार्मा है वो क्लिनिकल में मैप, कहने का मतलब है कि उसमें दवा के रखरखाव से लेकर दवा का डिस्ट्रीब्यूशन और दवा की डोज तक की बताने का काम फार्मासिस्ट का है। साथियों, आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाएंगे, आप वहाँ पे देखेंगे जो भी सरकारी फार्मासिस्ट, अगर उसकी क्वालिफिकेशन पूछेंगे तो वो डी फार्मा ही बताएगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, क्योंकि वो क्लिनिकल में मैप है। उसमें क्या है, ड्रेसिंग करना, इंजेक्शन लगाना, और जो है क्या होता है कि मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन करना, डी फार्मा। बी फार्मा साथियों क्या है, इंजीनियरिंग में मैप है। उसमें साथियों होता क्या है कि आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, या अपग्रेड करके आप जो है लेक्चरर या टीचर बन सकते हैं, या बी फार्मा को पढ़ा सकते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है एम फार्मा अगर आप करते हैं तो बी फार्मा वालों को पढ़ा सकते हैं, ऐसा है साथियों। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि बहुत सी जगह पे जो है अभी क्या हुआ कि हमारे एसोसिएशन ने लड़ाई लड़ी कि बी फार्मा और लोगों को भी वरीयता दी जाए। तो जो केंद्र की ESI है उसमें तो जो है डी फार्मा बी फार्मा दोनों भरते हैं, और उसमें जो है जो एंट्रेंस एग्जाम क्रॉस करता है उसकी जॉब लगती है। साथियों, उसी तरह से क्या हुआ कि जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है और आर्मी है, आर्मी में साथियों पहले क्या होता था, 12th पर्सन होता था, जो भी कैंडिडेट होता था वो 12वीं बायो या मैथ पास होता था, और उसको वो 2 साल खुद फार्मासिस्ट का कोर्स कराते थे। उसके बाद वो जो है आर्मी मेडिकल कोर के जो भी हॉस्पिटल होते थे, जहाँ भी आर्मी के हॉस्पिटल, उसमें दवा का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। लेकिन अभी साथियों क्या है कि ओपन भर्ती होती है, दोज कैंडिडेट हैविंग द डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन उनका जो है क्राइटेरिया है, जो मापदंड है, उसमें यह है कि सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा। आप एंट्रेंस अगर पास करते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में आपको रेस क्रॉस करना होगा, आपकी सीना हाइट, और उसके बाद पुशअप लगाने होंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपकी जैसे फौजी की ट्रेनिंग होती है उसी तरह से होगी, लेकिन आपको बांटना सिर्फ दवा ही है। डिसिप्लिन आर्मी का होगा, पुलिस का होगा, जैसे CRPF में होता है, उसमें क्या होता है अगर आप डी फार्मा हैं तो आपकी भर्ती होगी तो आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी, 2 स्टार मिलेंगे, रिवाल्वर मिलेगी, लेकिन आपको हॉस्पिटल के अंदर दवा का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लेकिन रूल रेगुलेशन उनके जो है अपने हैं, यूनिफॉर्म है, वर्दी में ही रहना है, इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। तो साथियों, जो CMO है वो भी साइन करेगा, फार्मासिस्ट है वो भी, दोनों साइन करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप जब भी ट्रेनिंग करेंगे
सीएमएस के अंडर में करेंगे तो वहाँ पे जो है चीफ फार्मासिस्ट और सीएमएस करेगा, और सीएमओ के अंडर में जिला स्तर से करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहें। सपोज दैट आप सीएमओ के यहाँ जाएंगे, सीएमओ के यहाँ क्या होगा कि आपको फॉर्म साइन करके दे देगा कि आपको कोई सीएससी पे अलॉट कर देगा, वहाँ जो फार्मासिस्ट है उसके अंडर में ट्रेनिंग होगी, वहाँ से वो साइन कर देगा, उसके बाद आपको सीएमओ ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे जहाँ सीएमएस सर बैठते हैं वो साइन उस पे फॉर्म पे करेंगे, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। तो साथियों किसी तरह की क्वेरी होती है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो क्वेश्चन करता है मैं उनका कमेंट करके देता हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जिस पर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ जिस पर लगता है कि क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत से विद्यार्थियों को बेनिफिट मिलेगा, तो मैं उसमें जो है क्या कहते हैं वीडियो भी बनाता हूँ। साथियों आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा जो है टेलीग्राम से जो है जुड़ सकते हैं, ईजी स्टडी फार्मेसी के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारा जो है फेसबुक से आप डॉक्टर जितेंद्र कुमार और जितेंद्र कुमार दोनों के नाम से फेसबुक है, उससे भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। तो इस किसी तरह की क्वेरी है साथियों आप हमें कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।